हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। करण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत करता है ग्रेटर नोएडा से। क्या भाई, क्या मांग रहे थे आप? एमजी कॉमेट बहुत ज्यादा पसंद आ गई क्या आपको? और क्या भाई, नींद में भर रहा था दिनेश को भाई, दिलाना चाहिए था तुझे। हाँ, मेरे दिमाग पे ही ना रही नहीं, एमजी कॉमेट मस्त लगती। वो छोटी वाली गाड़ी ना ही जो ले लेता तू, इसी लेके आए जो हम गुड़गांव से, टम्पू सी 8 लाख रुपया की वो एमजी वाली। हाँ यार, हम तो वो बोले थे यार, अगर कर ले तो मैं भी चल जाती है, पता तुझे उसमें यार भी भर के ले आता। बिल्कुल भी नहीं लेते हम तो वे कल का नहीं बता, दिल्ली में पानी भर रहा है इतना, कल तो उसने पानी तरा दिया और वो खराब, तो कौन जिम्मेवार है? नहीं बना के देता ये, बिल्कुल भी नहीं भाई। हमने गारंटी है 8 साल की। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो जो किया सेंटो खरीद ली, वो भी बहुत अच्छी है। कौन सी खरीदी है? भाई कौन सी ली है? किया आगे, किया के आगे नहीं, खाली किया मेरे पे बात पड़ी। चलो भाइयों, लत्ते वत्ते पहन लो, अब अपने जूते वूते पहन के। यार ये क्या है, अच्छा रूम था, मतलब बढ़िया है ये, देखना फ्रिज व्रिज सब सौदा है इसके अंदर। ये देखो फ्रिज व्रिज पूरा सिस्टम बढ़िया है, चिमनी विमनी। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कार ढूंढ रहा है। तो भाई ये काफी अच्छा होटल था, इसमें अच्छा मजा आया। मोनू भाई ने करके दे दिया था, स्पीकर स्पूकर सब लग रखे हैं। चलो भाई अब अपना वॉच वॉच पहन के निकलते हैं, क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी, आप देखोगे घड़ी बीत ली हमारी तो 10:22। मोनू भाई का हैप्पी बर्थडे, अपना बहुत अच्छा मन गया 10:22। देखो कितना तगड़ा होटल था भाई ये, यो भाई ऊंचा कितना ऊपर, अभी तो टॉप फ्लोर पे ही है हम एक तरीके से देखा जाए तो। अभी अच्छा है यार, भर रहा थी रेडिसन ब्लू नाम है भाई इसका, और यहाँ देखो अभी और कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, बढ़िया हमारी इधर से। वाह वाह, ऐसा पंखा सा चल रहा है सच के ही। सच के ही, ये डस्टबिन वस्टबिन भी लगा रखी है, फ्रिज बाहर भी रख रखी, सारे ही में इधर रखे का है ऐसा ही फ्रिज। बढ़िया है भाई, बहुत सस्ता ही था यार ये, ज्यादा कुछ महंगा नहीं था, 7,000 रुपए में हो गया 5 जनों के लिए, और क्या चाहिए भाई। आपको पता है अब आजकल स्टॉक मार्केट करने लग गया है, क्या बता रहा, 5,000 की में तूने 3,000 रुपए कमा लिए। 5,000 के यानी स्टॉक खरीदे, 3,000 उस पे कमा, मतलब 8,000 एक दिन की कमाई। नहीं, 3,000 एक दिन की कमाई, तो तू रोज क्यों नहीं करता फिर उसको 5,000 रुपए से? ये जरूरी थोड़ी ना कि डेली प्रॉफिट ही हो, कोई नहीं तो वो 3,000 पे खेलना, उस पे लॉस हुआ तो तेरा क्या गया। अभी दो दिन से, अभी पिछले हफ्ते दो बार से माइनस में जा रहा, तभी तो आजकल लोग कहे कि खाना मैं खिला दूंगा, मूवी मैं दिखा दूंगा। हाँ, तभी मैं सोचूं आज, अब कहता अरे चलो ना वो मूवी देखेंगे, ओएमजी तू मैं दिखा दूंगा कोई बात नहीं। बस बता दो सीरियसली, अच्छी चीज है क्या ये? मुझे सिखा देगा? हाँ यार, मैं थोड़े हैवी ज्यादा, मैं तो 2 हफ्ते से ही कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, मतलब अभी तो मैं। ओ ड्राइवर, काफी सारी मैंने पढ़ाई भी कर ली इसके लिए यूट्यूब से। अच्छी चीज, सही बता तुझे, जुआ सा अगर देख, जुआ सा नहीं है, अगर तेरे को उसके बारे में नॉलेज है ना तो जुआ नहीं है। अच्छा, अब बिना नॉलेज के ऐसे कूद गया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी बेच दिया, फिर तो भाई बहुत रिस्की है। आग बैठ रहा, कुछ आप कर रहा, तो हम यादव से सीखने वाले हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड अर्न मनी, मोर एंड मोर मनी। यस, तो तू मेरा ऐसा करना, तू मेरा पैसा लेके लगा दिया करना, मुझे महीने के एंड में दे दिया करियो, डबल करके दे दिया करियो, डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तेरा, बोल डबल तो देना पड़ेगा। ये चीज बहुत रिस्की है, ऐसे उधार उधार लेके भाई कोई मत खेलना। अगर तुम्हारे पास है पैसा, अब तुमको ये है कि मतलब अगर लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल सकता हूँ, तभी खेलना, ऐसे नहीं कि भाई डेली प्रॉफिट ही आए। आज तक 3,000 रुपए कम ही तेरे पे, बस मैंने तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया पहले स्टॉक मार्केट का, एस भी अभी सीखो ना हमारे ढंग से, और तेरे यहाँ पे आधा घंटा वीडियो बना दी, देखो ज्ञान और ले लिया था नहीं इतना। ओ ऐसे नहीं बोलेगा, 2 हफ्ते हो गए मुझे करते हुए। चलो भाई देखो ये होटल था अपना, कितना अच्छा है, चलते हैं। एक दिन लॉस होया, अगले दिन से बंद कर दिया। चलो अब लॉस वाले, चल उतर यहाँ से, चल यहाँ नोएडा है ये, अपना शहर नहीं जहाँ चलाएगा। अब मैं तेरा पेड़ भी डर रहा है भाई, ग्रेटर नोएडा में पता नहीं यार, कभी आ जाओ कोई ना कोई पेड़ गिरा ही मिलता है। ये पता नहीं कैसे नकली पेड़ लगाए हैं क्या इन्होंने यार, ये तो कोई आंधी तूफान उफान कुछ भी नहीं आया, यहाँ बहुत ज्यादा पेड़ गिरे रहते हैं रोड्स पे, या तो एक कम एरिया में लग रखे हैं, जड़ ज्यादा नहीं पकड़ पाते, क्या सीन है वी डोंट नो, पर यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है ज्यादा। तो अब हम जा रहे हैं भाई कोई तो मॉल वॉल में, अपना बढ़िया पिक्चर पिक्चर देखेंगे आप ना, बढ़िया 10:45 हो रहे हैं, कोई अच्छा मॉल बताया ग्रेटर नोएडा में, मोनू भाई के बिल्कुल पास में ही है वो भाई। अब है तो कुछ घना ही बड़ा ट्रेडर है ये, देखो ये दिखा दो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखा दो, तो फायदा हो रहा है नुकसान, अरे तो इसमें दिखा दे क्या होता है ये,
66 रुपए। इसने भाई 60 रुपए पे खरीदा है, 60 रुपए पे लगाया था, अभी मिला नहीं है। जो तंग तंग कदे पर चीन खुली रहे, वा फैशन फरीक हाँ तेरे पे ढुली। वाओ देखो कितना अच्छा मॉल है भाइयों, द ग्रैंड बेन इसका नाम है, नाप सी डोलती है इसमें। मोनू भाई के कितने बार हो लिए, मोनू मैंने कभी नहीं घुमाए, हम आज हम खुद से ही आ गए घूमने। वेनिस मॉल इतना ग्रेट, देखो तीसरा दूसरा। अरे क्या पता ये सीधा फोर्थ पे जाती हो यार, ऐसे ही फिक्स करके रखते हैं। चलो होटल ले आओ, अब हमें जाना हो भाई पिक्चर वाले पे तीसरे पे। अब ये तीसरे पे जाने का ऑप्शन है, अब यहाँ मैं चला गली में। खंडर है, खंडर ना? अच्छा इसमें तो वो है फूड कोर्ट है, इसमें फूड कोर्ट। आज तो मंडे है लेकिन मेरा तो व्रत है भाई फास्ट, हर हर महादेव। हो जाएगा, हो जाएगा। बेसिक टिकट ही कराते हैं ना, बेसिक टिकट कराते हैं। देख केम कर रहे हैं सरासर न्यू खामा का। अब हम आए हैं OMG 2 देखने भाई। इन सिनेपोलिस वालों का अलग ही सिस्टम है, कहते पहले तो कहता ये टिकट वाला है भाई, ये फूड वाला लेना पड़ेगा, विदाउट फूड के मिलेगा नहीं। इतने से पॉपकॉर्न, इतने से वो पेप्सी 360 रुपये का। मैंने कहा नॉर्मल वाली दे दे, कह रहे नॉर्मल वाली है ही नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कैमरा खोल लिया, फिर कहने लगे कैमरा देख दिया, अच्छा अच्छा है। आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, वो बातें चल रही थी कि अच्छा, फिर उसने दे दिया कि चलो ले जाओ। वैसे 160 रुपये की थी और उसके साथ 350 रुपये की, बस इतने इतने से उसके साथ। तो कहाँ 1800, कहाँ 800 हैं। अब मैं खाना होगा तो हम वैसे ही खा लेंगे, अब जैसे मेरा व्रत है भाई, मुझे खाना ही नहीं है। ये क्या ज़बरदस्ती हुई थी, वैसे पागल बनाते हैं। तो आज भाई दिनेश का फर्स्ट टाइम ये पिक्चर देखेगा, कैसा लग रहा है तुझे, समझ आ जाएगा? तो भाई चिल्लाने का क्या हो गया, तो भाई कोई कुछ हमसे कोई किसी ने बोल रखा है, सब कम बोलना है, अपनी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है सबके पास। हमारे भाई को नहीं सुनता धीरे, तो हम तो तेज़ बोलेंगे ना भाई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आकाश भी ना। चलो भाई पिक्चर का टाइम होएगा हमारा 12:45, बहुत टाइम अभी, तो हम वेट कर रहे हैं। तो भाई हम बैठ चुके हैं दिनेश, ये देखो भाई कैसा कैसा लग रहा है आपको। तो भाई OMG 2 देखने के लिए बैठे हैं, ये कहता दिनेश कह रहा हो भाई, दिनेश को लगा कि कहीं भी बैठ सकते हैं करे। ओए और पीछे चल के बैठे हैं वहाँ पे, अब पीछे है चलो भाई होगी, अब स्टार्ट होने वाली है मूवी, आने वाली है। मेरे शिवगंड में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी सहायता कर सके। जो आज्ञा प्रभु। दिनेश कह रहा हूँ आज तो 2 पिक्चर देख ली, मजा आ गया। इंटरवल है, इंटरवल के बाद समझ रहा हूँ पिक्चर शुरू हुई, इसे कुछ समझ ही नहीं आया। आधी तो चीन तो आ रही है ना, फोटो देख के आ गई। दो नहीं है, 2 पिक्चर नहीं, वो एक ही हो वैसे, तू एड एड में छोड़ दियो पीछे। ऐसे हो गया, हिल गया पूरा। क्या हिल गया? अच्छा कैसी लगी? क्या मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा आपको? बहुत बढ़िया है। आपको कैसी लगी? वो तो बहुत अच्छी पसंद आई ये तो। पूर हो रहा था मैं तो सो गया। नहीं अच्छी थी, काफी नॉलेजेबल, काफी यूजफुल थी, काफी सही थी। अच्छी थी यार ये, ऐसी भाई मूवी बनाओ ऐसी, सच में यार कुछ था नॉलेज देने वाला चीज की। हाँ चल वैसे प्यार न यो हो गया आज साल, लगा माथे की तेहुड़ी तेरी करेंगी वो हाल, मैं भी घर के मना लूं बस कर दे तू हाँ, इब होता गोन्या और यो सबर मेरे पे, छत्तीस मिले हैं बुरे गुण तेरे ते। इन तारीख को होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा फंक्शन, श्याम बाबा का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो सभी जरूर आके हाजिरी लगाइए और इस बड़े ही फंक्शन का बहुत अच्छे से अपना आनंद उठाइएगा। कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे डिटेल आप अपने स्क्रीन पे पढ़ ही पा रहे होंगे, तो जरूर आइएगा। ये सारे भाई इसको करवा रहे कार्यक्रम को, ये इसमें अरुण भाई भी हमारे
यहाँ पे बहुत फोर्स खड़ी थी पीछे, क्योंकि आज जो कलश यात्रा है ना, इस फॉर्च्यूनर का भी टायर देखो ये वाला, अगर आपको दिख रहा हो तो धूप पड़ रहे तो जब भी ना दिख रहा। अरे क्योंकि उसके अंदर टीपीएमएस का फीचर ही नहीं है, 50 लाख की गाड़ी में बताती नहीं है कि प्रेशर कम है नहीं है, हमारी में सब सौदा है। इसने क्या लिखवा रखा है पीछे, इसको चालान नहीं कटना चाहिए, गुजर लिखवा रखा है। हाँ 10,000 का चालान कटना चाहिए भाई साहब। भाई जो फॉर्च्यूनर वाले होते हैं, यहाँ तक कहूँ भाई तेरा टायर बतौई तो ना चल रही, वही तो दिक्कत है भाई। ये कितना मतलब मॉडर्न फीचर है, कितना जरूरी फीचर है, इन चीजों से पता चलता है। बताओ लोड हो रहा है, घर ही बैठे हैं हमें घने लोग बैठे हैं हमें, और बता टायर में हवा ना है, बता दूं? बता दे भाई, भला कर दे किसी का।